इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, रमोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरा अरहंतो मंगलम संतो तौ सिद्धाश्च मंगलम मंगलम साधवा सर्वे मंगलम जिनशासनम मोक्षमार्गस नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विषतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर कनक नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय से संदर्भित 38वें सूत्र के माध्यम से आज कर्म भूमि और भोग भूमि मनुष्यों की उत्कृष्ट एवं जगन्नायु कितनी होती है इस संदर्भ में संक्षिप्त से चर्चा करूंगा। पहले मैं सूत्र आपके सामने रखता हूं। निस्थिति पराबरे त्रिपल्लोपम मांतर मुहूर्ते। इसका मतलब है नृ अर्थात मनुष्यों की स्थिति परा अबरे इनकी पर अर्थात उत्कृष्ट स्थिति त्रिपल्लोपम तीन पल्लोपम वर्ष की होती है जबकि अबरे अर्थात इन्हीं मनुष्यों की जगन स्थिति अंतर मुहूर्ते एक अंतर मुहूर्त की होती है। यहाँ पर जब उत्कृष्ट स्थिति की चर्चा की जाती है तब त्रिपल्लोपम अर्थात ये तीन पल्लोपम की उत्कृष्ट स्थिति भोग भूमि के मनुष्यों की पाई जाती है। इससे कम भी स्थिति होती है ये उत्कृष्ट देवकुरु और उत्तर कुरु के मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति है जबकि मध्यम भोग भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति दो पल्लोपम की है और जगन्न भोग भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्लोपम की है। यहाँ तो हमें यह कहना है बताना है कि सबसे ज़्यादा मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक कितनी अधिक हो सकती है यह पूछे जाने पर यह स्पष्ट है कि मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति आयु तीन पल्लोपम वर्ष की होती है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि कर्म भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है क्योंकि यह पहले कह चुके हैं विदेशु संख्य काला सबसे उत्कृष्ट स्थिति विदेश क्षेत्र के मनुष्यों की होती है और विदेश क्षेत्र के मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति एक पूर्व कोटि वर्ष की होती है। अर्थात कर्म भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्टतम स्थिति एक पूर्व कोटि वर्ष की होगी तो वहीं भोग भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्लोपम वर्ष की होगी किंतु जब जगन स्थिति की बात आती है तो जगन स्थिति कर्म भूमि के मनुष्यों के लिए जब बात की जाए तो कर्म भूमि के मनुष्यों की जगन स्थिति अंतर मुहूर्त की हो सकती है। अब इसके बीच में मध्यम स्थिति के अनेक विकल्प हैं अंतर मुहूर्त के ऊपर और तीन पल्लोपम के नीचे जितने भी हैं वो सब मध्यम विकल्प आ जाएंगे। कर्म भूमि में अंतर मुहूर्त के ऊपर और एक पूर्व कोटि वर्ष के नीचे के सारे विकल्प मध्यम आयु के मध्यम स्थिति की आयु वाले जीवों के विकल्प बन जाएंगे किंतु
भोग भूमियों में जब उत्कृष्ट स्थिति की ओर जाते हैं तो तीन पल्लोपम वर्ष की आयु वहां पर होती है। यहां पर जगन और उत्कृष्ट स्थिति के मध्य अनेक प्रकार के विकल्पों का कथन है। मध्यम में हम नहीं कह सकते हैं कि किसकी कितनी उम्र है। आज वर्तमान कर्म भूमि के मनुष्यों की जो आयु है ये सब मध्यम विकल्पों में चल रही है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त से नीचे तो किसी की होती ही नहीं है। और आज वर्तमान में कर्म भूमि में यहाँ भरत क्षेत्र के मनुष्यों में किसी की उत्कृष्ट स्थिति भी नहीं है। तो अब मध्यम के जो विकल्प बचते हैं वे विकल्प उनके कर्मानुसार आयु कर्मानुसार होते हैं। अंतर मुहूर्त की स्थिति का मतलब है कि किसी जीव ने माँ के गर्भ में जन्म लिया और एक अंतर मुहूर्त काल रहा और मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो उनकी जगन स्थिति है। मनुष्यों में जिस प्रकार से गर्भज मनुष्य होते हैं उसी प्रकार समूर्छन मनुष्य भी होते हैं, और समूर्छन मनुष्यों की आयु जगन आयु से अधिक नहीं होती, अर्थात भी अंतर मुहूर्त के अंदर ही अंदर जन्म लेके मृत्यु भी प्राप्त कर लेते हैं। वे समूर्छन मनुष्य वे होते हैं जिन समूर्छन मनुष्यों के लिए बिना माता पिता के संयोग के सिर्फ योग्य जलवायु मिट्टी पानी आदि के मिलने से जो जीव उत्पन्न होते हैं मर जाते हैं, और वे मनुष्य जाति के ही मनुष्य होते हैं। वे घनांगुल के असंख्यात में प्रदेश मात्र उनकी साइज हाइट काया होती है। वे हमारे चर्म चक्षुओं से नहीं देखते हैं, वे बहुत सूक्ष्म होते हैं और वे गुप्त स्थानों में रहते हैं। या चक्रवर्ती की सेना मलमूत्र आदि में भी वे पाए जाते हैं। तो वे कितने होते हैं वे भी असंख्य हो सकते हैं। ऐसे अंतर्मूर्त की आयु वाले जीव असंख्य जीव पाए जा सकते हैं। अब रही बात उत्कृष्ट आयु की, तो वो तीन पल्लोपम की जो बतलाई है वो भोग भूमि की अपेक्षा बतलाई है, और पल्ल अनेक प्रकार के हैं। व्यवहार पल्ल होता है, एक उद्धार पल्ल होता है और एक अद्धा पल्ल होता है। मूल रूप से तीन प्रकार के पल्ल होते हैं। यहाँ पल्ल का मतलब होता है एक प्रकार की उपमा, गड्ढा, उस गड्ढे के प्रमाण जो संख्या आती है उसे पल्ल कहते हैं। ये शास्त्रीय प्रमाण है अथवा ये रूढ़िगत परंपरा से आया हुआ प्रमाण है। व्यवहार पल्ल से संख्या का वर्णन किया जाता है, जिन पल्लों के द्वारा पल्लों का कथन किया जाता है। संख्या का वर्णन किया जाता है जिसके द्वारा उद्धार पल्ल और अद्धा पल्ल की संख्या जानी जाती है। जो संख्या मात्र का वर्णन करता है वो व्यवहार पल्ल है। दूसरा होता है उद्धार पल्ल, जिससे द्वीप समुद्रों की गणना की जाती है वो उद्धार पल्ल है। अर्थात जो द्वीप और समुद्रों की गणना जिससे की जाए वो सारे के सारे उद्धार पल्ल हैं। और अद्धा पल्ल जिससे कर्मों की स्थिति का काल जाना जाता है वो अद्धा पल्ल है। यूं समझिए व्यवहार पल्ल को कि प्रमाण अंगुल से निष्पन्न एक प्रमाण योजन लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा गड्ढा खोदा जाए। मतलब
यहाँ एक युजन का मतलब है 200 कोस, 2000 कोस अर्थात 4000 मील, 6000 किलोमीटर लंबा, उतना ही गहरा और उतना ही चौड़ा गड्ढा खोदा जाए और उस गड्ढे में भोग भूमि के जन्मे हुए 7 दिन के मेष के बच्चे के रोमाग्रों को ऐसा टुकड़ा किया जाए जिससे कैंची से पुनः दूसरा टुकड़ा न किया जाए, और उस इतने छोटे छोटे सूक्ष्म बाल उस 2000 मील कोस लंबे चौड़े गड्ढे गहरे गड्ढे में उन बालों को भर दिया जाए, और फिर उस गड्ढे को चक्रवर्ती की सेना से हाथियों से दबाया जाए, और वो जब पूरा भर दिया जाए तो भरने के बाद वो गड्ढा एक व्यवहार पल्ले के नाम से जाना जाएगा। उसके पश्चात पुनः उन बालों को एक और उतना ही बड़ा गड्ढा खोदा जाए, और हर बाल के लिए 100-100 वर्ष के बाद उस गड्ढे में से एक एक टुकड़ा निकाला जाए। इस क्रम से परिपूर्ण रोमखंडों के निकालने में जितना समय लगे, हर 100 साल बाद एक बाल निकालना, उस गड्ढे में डालना, उस बाल निकालना, फिर उस गड्ढे में डालना, ऐसा करते करते जितना समय लगे उसे एक व्यवहार पल्ल कहते हैं। उद्धार पल्ल और उद्धार पल्लोपम अर्थात असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय हैं उतने समयों से प्रत्येक रोमखंडों का गुणा करें, और इस प्रकार के रोमखंडों से फिर उस गड्ढे को भर दिया जाए, तो इस गड्ढे का नाम उद्धार पल्ल होगा। पुनः एक एक समय के बाद एक एक रोमखंड को निकालना चाहिए, और इस क्रम से संपूर्ण रोमखंडों के निकालने में जितना समय लगेगा वो उद्धार पल्लोपम होगा। 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का एक उद्धार सागर होता है, और 2.5 अद्धा सागर अथवा 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों के जितने रोमखंड होते हैं उतने द्वीप और समुद्र होते हैं, अर्थात द्वीप समुद्रों की संख्या 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों के जितने रोमखंड बने उतने होंगे, और 100 वर्ष के जितने समय होते हैं उनसे उद्धार पल्ल के प्रत्येक रोम का गुणा करें, और ऐसे रोमखंडों से फिर गड्ढा भर दिया जाए तो उस गड्ढे का नाम अद्धा पल्ल होता है। पुनः एक एक समय के बाद एक एक रोमखंड को निकालने पर समस्त रोमखंडों के निकलने में जितना समय लगता है उस काल को अद्धा पल्लोपम काल कहते हैं, और एक अद्धा सागर भी होता है जो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक अद्धा सागर होता है। यह अद्धा का मतलब समय होता है, तो 10 कोड़ा कोड़ी सभियों के बराबर पल्लों के बराबर एक सागर होता है, सागर का नाम ही अद्धा सागर है। महानुभावों 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों की एक उत्सर्पणी होती है, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों की एक अवसर्पणी होती है, और 20 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों का एक कल्पकाल होता है। ऐसी कुछ संख्याएं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, इन संख्याओं के लिए खास तौर से हम मति श्रुत ज्ञान से जान सकते हैं, किंतु अवधि और मनःप्रिय ज्ञान से और भी अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से हम जान सकते हैं। 1 करोड़ का 1 करोड़ में गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं, ये भी संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा कर दिए तो कोड़ा कोड़ी हो गया, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है, बहुत बड़ी संख्याएं हैं।
इन संख्याओं को केवल ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। महानुभावों, नरक, त्रियंश, देव और मनुष्यों के कर्मों की स्थिति, आयु क्रम की स्थिति, इस काया की स्थिति, भव की स्थिति, ये सब अध्यापनों से जानी जाती हैं। बाकी आपके लिए कथन कर दिया गया है। अब ये स्पष्ट हो गया कि मनुष्यों की आयु उत्कृष्ट रूप से 3 पल्लोपम वर्ष की है और जगन्नायु अंतर मुहूर्त की है। नारकियों की भी आयु का बोध हो गया, किंतु त्रियंच जीवों की आयु कितनी होती है ये अभी आपके बात, ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है। तो त्रियंच जीवों की आयु का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये इस अध्याय का लास्ट आखिरी सूत्र है और इस सूत्र में कहते हैं त्रियग योनिजा नामचा। कितना बढ़िया सूत्र है, त्रियग योनिजा नामचा। जो त्रियंग त्रियंश योनि में जो उत्पन्न होते हैं वो त्रियंश हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चतुर इंद्री, असंगी पंचेंद्री संगी पंचेंद्रीय, जलचर थलचर नवचर, ये सब त्रियंश गति के जीव हैं। मनुष्यों को छोड़ के आपको जितने भी दिखलाई पड़ते हैं वे सब ढोर जानवर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब त्रियंश गति के जीव हैं। ये आप तो देखते ही हैं सभी। अब उनकी बात चल रही कि वो जो त्रियंश गति में जीव हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी कितनी आयु है। तो ऐसे तो देखा जाए तो आचार्य उमा स्वामी जी कहते हैं त्रियग योनि जानाम चा, चा का मतलब और अर्थात जैसे मनुष्यों की आयु स्थिति होती है वैसे त्रियंचों की भी होती है। यदि कोई मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्लोपम वर्ष की है तो त्रियंचों की भी उत्कृष्ट आयु 3 पल्लोपम वर्ष की है। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, रमोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।